मुझे मुझे बिग बॉस के दौरान मुझे ये फीलिंग आई थी कि दिस इज व्हाट बिग गर्ल्स डोंट क्राई मींस टू मी, कि मैंने वहीं से पीआर एक्सरसाइज शुरू कर दिया बिग गर्ल्स डोंट क्राई के लिए। अरे बचपन से मैं तो सोचता हूँ अगर कोई मुझे डिसिप्लिन करे तो वो हो पूजा भट्ट। हेलो एंड वेलकम टू डेसी मार्टनी। बिग गर्ल डोंट क्राई जो वेब सीरीज है वो अमेज़न प्राइम पे रिलीज हो चुकी है और आज हमारे साथ हैं इस वेब सीरीज की जो सुपरस्टार है, जो मेन चेहरा जिसे कहना चाहिए, पूजा भट्ट आज हमारे साथ हैं और साथ ही साथ इस वेब सीरीज के निर्देशक नित्या मेहरा और सुधांशु सारिया जो है आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है देसी मार्टनी पे। कंग्रेचुलेशंस आप फिर से एक बार अपने फैंस को एक बहुत प्यारा सा तोहफा दे रहे हैं। मैंने इसका ट्रेलर देखा जो कि बहुत जबरदस्त है। पूजा, मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी, प्रिंसिपल का कैरेक्टर जो है प्ले कर रहे हैं, रियल लाइफ में कभी पाला पड़ा है, जैसे आप सबको चीजें, कभी आपका पाला पड़ा है अपने प्रिंसिपल से? बहुत पड़ा है बहुत बहुत प्रिंसिपल से, माँ से, बहुत लोगों से। सो आई थिंक वो होना पड़ता है ना, तभी आप बन सकते हैं प्रिंसिपल। You have to first learn the rules, you have to break the rules, and then you got to make new ones. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा किक था जब उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया। मैं बोली मैं प्रिंसिपल ऑफ गर्ल्स स्कूल, फैंटास्टिक। क्योंकि दिया का जो कैरेक्टर है मैं उसके साथ काफी आइडेंटिफाई करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही थी जब मैं बड़ी हो रही थी। तो ये बात आपने सही कही, हमने आपका जो अवतार है ना वो बिग बॉस में देखा है, मैं फैन बन गई हूँ। मतलब एक लड़की हो तो ऐसी हो, वरना ना हो ऐसा है बनना है, बट प्रॉब्लम ये देखिए मुझे मुझे बिग बॉस के दौरान मुझे ये फीलिंग आई थी कि दिस इज व्हाट बिग गर्ल्स डोंट क्राई मींस टू मी, कि मैंने वहीं से पीआर एक्सरसाइज शुरू कर दिया बिग गर्ल्स डोंट क्राई के लिए, हो जाए कि मैं वंदना वैली की प्रिंसिपल जो है कन्विंसिंगली मैं प्ले कर पाऊंगी। तो आई हैड टू सेट इट अप, यू सी। तो इसके लिए मैंने वो रोल निभाया था वहां पे। वेल प्लेड पूजा, वेल प्लेड। Agreed. Things I do for y'all. Love ya. अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है वो सुधांशु से होने वाला है। मुझे ये जानना है आपसे, ये आइडिया, क्योंकि ये बहुत यूनिक है, लड़कियों के ऊपर बेस है, प्लस जो हॉस्टल लाइफ है वो दिखाया गया है, ये आइडिया कहाँ से है? क्योंकि अमूमन जो है ना लड़कियों के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं जाता है जितना मुझे पता हमारी सोसाइटी में, एटलीस्ट। नहीं, गलत चीजों देते हैं, जिस तरह ध्यान देना चाहिए वैसे नहीं देते हैं। और मुझे, मैं इतना खुश हूँ आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि मुझे बड़ा गर्व है और बहुत अच्छी बात है कि इतना खूबसूरत आइडिया नित्या मेहरा के दिमाग में आया, इसीलिए इन्होंने मुझे फोन किया, तो मुझे भी एक मौका मिला कि इतने अच्छे शो पे मैं काम कर सकूं। किसी और के दिमाग पे आया होता तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता। इट इज अ प्रिविलेज ऑफ माइन कि जितना काम किया है हमने, अब मुझे 22 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और इतना काम करके जो क्राफ्ट आदमी जितनी भी एक्सपीरियंस को तुम जमा कर लेते हो, फिर उस एक्सपीरियंस के साथ तुम करते क्या हो, ये तुम्हारा कैरेक्टर डिफाइन करता है। किन चीजों पे तुम इन एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हो, जो वक्त है तुम्हारे पास वो वक्त तुम कहाँ देते हो। तो जब ये आइडिया आया, मैं अपनी भांजी के साथ था कलकत्ता में, और मुझे दिख रहा था कि मतलब ये बात एकदम ऑब्वियस हो रही थी कि उनकी लाइफ में जो तकलीफें चल रही हैं, उनकी लाइफ में जो आइडेंटिटी इश्यूज चल रहे हैं, उनकी लाइफ चल रहा है, उन्हें लग रहा है सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है। तो जब उसी हफ्ते में, उन 2 दिनों में कलकत्ता में जब था, नित्या का मेरे पास फोन आया। हम दोनों बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हुए हैं, नित्या मेरा वेलम गर्ल्स गई हुई है देहरादून में, मैं डून स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। एक सबसे पहले तो खुशी की बात हुई कि इनके साथ फाइनली हमें काम करने का मौका मिलेगा। सेकेंड, शो के बहाने हम खुद अपनी पाएंगे। और सबसे नंबर 3, जो इन दोनों रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये मैं अपनी भांजी के लिए कुछ कर सकता हूँ। यंग एडल्ट जो स्पेस है, जहाँ लार्जली उस ऑडियंस को हमने सर्विस किया ही नहीं है, और खास करके लड़कियों को, तो हमेशा हमने कहा है कि जो कहानियां छोटे लड़कों के लिए बनती हैं, उन्हीं कहानियों में अपने आप को ढूंढ लो। तो स्पाइडर मैन जरूर बनेगा, स्पाइडर गर्ल नहीं बनेगा, आपको अपने आप को मैरी केट या उस तरह से समझ लेना है। और जो जो भी हमारी ये स्कूल की शोज बनती हैं, ज्यादातर अमेरिका में बनती हैं, इंग्लैंड में बनती हैं, हम तो नहीं बनाते।
तो बड़ी अच्छी बात है कि मेड इन के बाद जब नित्या के पास वो पावर आया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस विषय पे बनाएंगे, तो वहां से स्टार्ट हुई जर्नी और अब 4 साल हो गए और आज हम आपके सामने बैठे। सही कहा आपने नित्या मैम। अगला सवाल मेरा आपसे होगा, मुझे ये जानना है इस मैंने जैसे जो मैम मैंने बताया, मैंने कुछ चंक देखे हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम टाइम पे हो रही हैं। इसकी स्क्रिप्ट को बनाने में एक्चुअल में कितना टाइम लगा, मुझे प्लीज सच सच बताइए, क्योंकि 1-2 दिन या कुछ महीने का काम तो नहीं नजर आ रहा है ये। मेरा ख्याल शुरू से हाँ, तो जैसे राइटर्स रूम सेटअप हुआ, आई थिंक उस दिन से, एक तो हम ना फिल्म मेकर्स जो भी हैं, मैं आज तक किसी को नहीं मिली हूँ जिन्होंने स्क्रिप्ट एक बारी मतलब 3 ड्राफ्ट लिखकर अलग रख दी है और फिर शूट पे करते हैं। नहीं, हम लिख रहे थे जिस दिन तक हम शूट थे, लेकिन आई वुड से 2 साल लगे इस कहानी को कंप्लीट कर लिखे थे। फिर हमने उन्हीं 8 एपिसोड्स को साथ बना दिया। सो या 2 साल एंड वो लगे। लिखने का काम एडिट में भी चलता है, पोस्ट प्रोडक्शन तक भी चलता है, बिकॉज आप स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। फिल्मिंग करने के बाद आपको समझ में आती है कि एपिसोड की क्या रिक्वायरमेंट है। एक्टर्स आते हैं तो उनकी पर्सनालिटीज में उन स्क्रिप्ट को डालना पड़ता है। बट ऑल्सो जब जब हमने लिखना शुरू किया उस वक्त द पैंडेमिक हैड जस्ट हिट, तो यहाँ हम सब पहली बार ही ये जूम जूम शुरू हुआ, कौन वर्क है, कैसे करेंगे, चार चार अरे राइटर इधर उधर बैठे। अब बर्तन धुल रहे आजकल हैं, आजकल चार्जर। नहीं है, आजकल तो सब लोग करते हैं, किसी को एक दूसरे को देखना ही नहीं है। नहीं, मैं तो एज अ शो रनर, मुझे तो मेरे व्हाइट बोर्ड बड़े प्यारे हैं। उस व्हाइट बोर्ड के बिना मुझे तो काम ही नहीं करना आता। तो जब एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, सडनली बोला जा निकल सकते, आई वाज लाइक गई भैंस पानी में, तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज मैं वर्चुअल विंडो में कैसे पॉइंट लिखा जाए, कैसे कोई देख ले कैसे। बट अगेन, जब आप आई थिंक जब रीजन अगर क्लियर हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस वन बाय वन हम चलते भाई आगे, हजार कारण मिले रुकने के। कभी पैंडेमिक हो रहा है, कभी मैंडेट बदल रहा है, कभी कास्टिंग में ये वो हजार चीजें चल रही थी। या बट साइक्लोन आ जाता है। हाँ, साइक्लोन आ जाता है, वो तो पूछो ही मत। एकदम बहुत नाराज हूँ उठी के मौसम से। क्या 98% परफेक्ट नहीं, 100% परफेक्शन चाहिए, कोऑपरेशन मिलनी चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे मैं पूजा मैम को आपको प्रिंसिपल बनाने का ख्याल कैसे आया, कैसे? अरे बचपन से मैं तो सोचता हूं अगर कोई मुझे डिसिप्लिन करे तो वो हो पूजा भट्ट। आपको नहीं लगता मैं को क्यों, अरे कि आपको डांट भी सुन के मजा आ जाए। अच्छा हाँ नहीं, मुझे उनमें एटलीस्ट, कम से कम मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे उनमें वो दोनों रस दिखते हैं। मुझे लगता है ये इनके क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, इनमें एक एक मॉरल सेंटर है। ये मैं पर्सोना की बात कर रहा हूँ, एंड बिकॉज शी इज अ फिलोसोफर, यू जी गॉट वो दैट? तो मुझे तब तो नहीं पता था नित्या, हाँ, तब तब की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम सेइंग इंटरव्यू पर्सोना, पर्सोना अगर मैं देखूं इंटरव्यूज तो। के दौरान पता हाँ चल नहीं, रहा है। शूट पे भी आए सो, बट परसोना में देखूं तो, क्योंकि आपकी ऑडियंस उनके पिछले काम, उनके पब्लिक परसोना को लेके आपके शो तक पहुंचती है। तो करेक्ट, ऑडियंस की परसेप्शन है कि शी डजंट केयर कि फैशन क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या कहना है मुझे कहाँ। वो हमेशा अपने राह पे चली हैं बहुत छोटी उम्र से। तो अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो ऐसा चाहिए जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, शी स्टैंड फॉर समथिंग। तो बहुत एक अच्छी क्वालिटी मिली। सेकेंड, मुझे लगता है बड़े ट्रिकी होते हैं, बिकॉज या तो इनमें आप औरतों को एकदम मर्द मर्दाना बना देते हो, या फिर आप उनको ले जाते हैं। और जैसे मतलब हमें चाहिए थी कोई आइडियल वुमन जो फेमिनिटी को अच्छी तरह से एम्ब्रेस करे, जो फैशनेबल भी हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कहेंगे वो मान लेंगी। वो बड़ा अपने मर्दों की दुनिया को वो नेविगेट कर रही हैं। उनको हर बच्चे की पता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। एट द सेम टाइम उसे ये पता है कि जब दो बुरी चॉइसेस आपको मिले तो उनमें से लेस बुरा कौन सा चॉइस है, और दो जो अच्छी चॉइसेस मिले उनमें से ज्यादा सही कौन सी चॉइस है। तो मुझे लगा वो सब चीजें यहाँ में मिल रही हैं। एंड एट द सेम टाइम डेफिनेटली मुझे था कि
इतना बड़ा कास्ट होगा इतनी रिमोट जगह में, और इन बच्चियों ने कभी इस तरह की एक्टिंग नहीं की है, तो ऐसी अनीता वर्मा इन्हें दें जिनसे कुछ सीख पाए प्रोफेशनलिज्म, परफॉर्मेंस वर्ल्ड के बारे में, किस तरह सेट पे बिहेव करना है, किस तरह का करियर इन्हें बिना चाहे ना चाहे वो मेंटोरशिप हो ही जाती है क्योंकि ये प्रिंसिपल के रोल में है। तो वो सब चीजें हमने पहले एक फिल्म करी भी थी, तो मुझे थोड़ा बहुत फ्रेश एकदम आइडिया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम सब इस बात पे अग्रीमेंट पे थे और पूजा जी भी मान गई। फाइनली अच्छा पूजा मैम, मुझे आपसे पूछना है वो ज्यादा मुझे कन्विंस करना नहीं पड़ा, जब भी उन्होंने फोन किया था मुझे और कहा था कि हम लोग ये शो कर रहे हैं, मैंने कहा कि वेयर डू आई साइन, तो ये सेट के आपको पढ़ना नहीं है पूरा, ऐसे नहीं हमें समझा दिया ना आपने तो हो गया काम, ये मैं इंस्टिंक्ट पे करती हूँ हाँ या ना, तो देन दे सेंड मी द स्क्रिप्ट, आई मीन इट वाज 8 एपिसोड्स डिटेल्ड, मैंने बोला यार ये मटेरियल इतना जबरदस्त है, कैरेक्टर क्लियर है, यू नो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज है, कार्बन कॉपी नहीं है दूसरी की, और तब मैंने सवाल यही पूछा कि ये लड़कियां मिलेंगे कहाँ से, मगर वेर आर यू गोइंग टू फाइंड दिस पीपल हु विल प्ले दिस रोल, इसे ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, एंड बाय द टाइम आई वेंट टू द सेट इट वाज अमेजिंग, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद लड़की जो पेश हो रही थी मेरे दफ्तर में, क्योंकि हमने शुरुआत वहीं से की थी सारे जो सीन्स मेरे हाँ, दफ्तर में, कभी कोई आके रो रही है, कभी कोई आके। एक जा रही है फिर एक के बाल काट रही हूँ फिर एक को डांट रही हूँ, मैंने बोला यार ये बना क्या दिया आपने मुझे, बट नॉर्मली आई वुड बी द वन ऑन द अदर साइड यू नो, बट अमेजिंग एनर्जी, और हमने बहुत सारे लोगों को लॉन्च किया है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आई नो द डिफरेंस बिटवीन द स्पेशल वंस एंड द ऑर्डिनरी, यू नो जी दिस गर्ल्स आर वेरी स्पेशल, बात है सब जी चाहूंगी आपसे, लोग जो है ना बिग बॉस के बाद से थोड़ा सा आपको गुस्से के तौर पे जानते हैं, क्या आपने सेट पे किसी की लगाई है क्लास, प्यार वाली गुस्से वाली? बिग बॉस के बाद में गुस्से के में अज्ञान गर्ल का टैग मिला था वहां पे, मतलब थोड़ी सी ना क्या कहना चाहिए, सीरियस वाली ना एक इमेज उभर के आई थी, आपने किसी की डांट लगाई है नहीं नहीं मगर जो मैं या? हूं तो वही तो उभर के निकलेगा ना, मैं सडनली अचानक टेबल पे उठ के नाचना शुरू कर दूं जो मैंने जिंदगी में किया नहीं है तो वो तो अजीब हो जाता ना, और बिग जी बॉस में जाओ उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और बन जाए, ट्रिक तो वही है ना कि आप वो उस घर में जाके आप जो आप हैं वो ही रहे, टेस्ट तो वही है, तो आई थिंक अगर मैं जैसे गई थी वैसे ही निकली तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, कि व्हाट आई जी एम, मैं बिग बॉस के घर में नित्या के सेट पे अपने घर में सड़क पे कहीं पे भी सेम हूं, जी तो एंड यस आई एम नोन वही ऑन, तो, वही तो हमारे में आपने देखा अनीता, अनीता वर्मा बोलती है कि हु आर यू, वही तो पूरा शी इज बीन सीडिंग इट सिंस देन, बट एंड या करेक्ट तो क्या है कि लोग जो है ना जब भी और कोई भी औरत जो है बेबाक तरीके से साफ क्लियर कट बातें करती है ना, सामने वाले काफी डर जाते हैं पता नहीं क्यों, सही बात बोली आपने, ये चीज बहुत सही बात बोली आपने। और मैंने किसी के ऊपर नहीं थोपा ये वहां वो घर में भी कि भैया आप इससे बात ना करें, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत थोपने की कोशिश की और मुझे बुलाते थे फिर शी इज वेरी काइंड ऑफ डोमिनेटिंग, मैं बोली मेरा डोमिनेट डोमिनेट होते क्यों हो, माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, मैं आपको चेंज नहीं करना चाहती हूँ आप मुझे चेंज ना करें, बहुत सिंपल है, गो प्ले गेम विद समबडी एल्स, मैं यहाँ पे जलील होने और किसी और को जलील करने नहीं आई हूँ, फॉर्मेट ऐसा नहीं है, फॉर्मेट आपको रिवील करता है आप जो आप अंदर होते हैं वो निकलता है, तो अगर एक अगर सबसे वर्स्ट थिंग इज दैट पूजा भट्ट बहुत स्ट्रिक्ट है तो बड़ी बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, बदमाश जी बदतमीज जाहिल नहीं, नहीं ना कि जलील करके आ गई ना बस खत्म कहा, मैंने भी शो देखा है, बिलीव मी मैंने एक एक शो बहुत की, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बिलीव मी। तो अभी आई होप कि आप एक एक मिनट हमारे बिग गर्ल डोंट क्राई का बिग बॉस देखा जी था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरा एक सवाल आप तीनों से है, जैसे अब तो मैं मेरे साथ साथ पूरी दुनिया जो है आपका शो देख रही है क्योंकि अब वेब सीरीज वाला जमाना है, क्या आपकी बकेट लिस्ट में कुछ ऐसा है जो चल रहा हो, आप देख रहे हो कोई वेब शो, या आगे आपका मन हो कि मुझे ये चीज देखनी चाहिए, ऐसा है क्या कोई शो? तीनों से मेरा सवाल है। आई
नहीं, बहुत सारी फिल्में हैं एक्चुअली, यू नो, जब भी मैं कुछ बना रही होती हूँ, मुझसे कुछ देखा नहीं जाता, मैं कुछ नहीं देख सकती. सो एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि अभी पिछले आई मीन गॉड्स बिन काइंड एंड वी बिन फिल्मिंग मेनी डिफरेंट थिंग्स, एंड एक लंबी लिस्ट है फिल्मों की जो मैंने देखी नहीं है. वेब सीरीज आजकल क्या, वेब सीरीज पता नहीं, मुझे दहाड़ देखनी है, मैंने वो देखी. ओके पूजा मैम, आपकी कोई लिस्ट है ऐसी? लुक, आई एम इन अ वेरी लक प्रिविलेज प्लेस. आई थिंक कि मैं उस मोड पे हूँ जिंदगी में. मैं बिजी हूँ अभी. अच्छा, एम ओके. तो वेरी लक. मैं जी वेट. हाँ, तो आई ऐसे मोड पे हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉलिड रोल्स मिल रहे हैं अपने गेटिंग टू वर्क विद पीपल हु आई एडमायर. वेयर आई शुड बी इन लाइफ. और ये आप जहाँ पे हम होते हैं ना, अगर उस मोमेंट को एंजॉय करना सीख लें ना, तो देन बिकॉज इधर हम लोग पास्ट में रह रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. जस्ट बी इन द नाउ. दिस इज अ ग्रेट टाइम. बिग गर्ल्स डोंट क्राई हैज कम ऑन एयर एट 12 o'clock लास्ट नाइट. द रिव्यूज आर ग्रेट. पीपल आर लविंग इट. इट्स कनेक्टिंग. इट्स अ ग्रेट डे टू हेल्प इट टुमारो. It's कल a किसने great day देखा to be है? alive. या Damn कल किसने right. देखा है? Okay, तो सुधांशु सर, आपका कुछ ऐसा है या आप भी बस जो अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे मैं उससे खुश हैं? नहीं, मैं तो सो नहीं सकता बिना कुछ देखे. मैं तो देखते रहता हूँ वो ये ये वो. सब कुछ दिखता है, सब कुछ. बस प्रॉब्लम ये है कि कर रहे हैं, मुझे हर चीज में वही दिख. तो यहाँ से कुछ सीख लेंगे, फिर उसको ट्राई करना है. अच्छा, इससे कुछ आइडिया आ गया, उस पर ट्राई करना है. तो मुझे तो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो तो मैं खुल के देख ही नहीं रहा हूँ. मैं तो बस खींचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने. अभी मैं बड़े मजे आए. एट द सेम टाइम आई वाज लाइक, यार ये देखना यार, इन लोग क्यों इतना टेंशन इधर नहीं डाल रहे, हम थोड़ा खुल सकते हैं ये वो. बस तो आई फील लाइक हम अपने काम से. कल भी स्क्रीनिंग में नित्या ने कहा, जो मुझे कहना था मैंने अपने शो में डाला है. तो मुझे लगता है ये काम के थ्रू मैं अपने कोलैबोरेटर्स की बातें सुनता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं. जुबली देखने से विक्रमादित्य मोटवाने उनकी बात समझ में सुनने को मिली. जैसे दहाड़ में आपको रीमा कागती की आवाज सुनाई देती है. तो उस तरह से आई थिंक एक इट्स एन इंटरेक्शन. तो हम बड़े क्लियर थे जब हमने स्टार्ट किया था कि चीजें बहुत डार्क हैं. लोग आराम से बात, मतलब एक लाइटनेस से डरते हैं, फ्रिवॉलिटी से डरते हैं. तो हम जब बनाने निकले थे बिग गर्ल्स डोंट क्राई, हम अपने लोगों को कहना चाह रहे थे कि लाइट इज गुड, फन इज गुड, है ना. मतलब मार्शमेलोज, हॉट चॉकलेट इज गुड. आराम से, मतलब क्योंकि हमें पता है जब दिन दिन डिफिकल्ट डे होता है, लंबे दिन होते हैं काम लाइफ में, कभी कभी आके ये जो नए नए शोज आ रहे हैं जो इतने डार्क हैं, मेरा भी मन करता है यार कुछ इजी व्यूइंग हो जाए. तो हमने उसे कभी हल्के रूप से नहीं लिया. वो इजी व्यूइंग बनाना बहुत कठिन होता है, पर हमने उसे प्रॉपरली एम्ब्रेस किया. कभी भी हमारा ये मन नहीं किया कि ओपनिंग एपिसोड के 5 मिनट में एक मर्डर हो जाए, ताकि पूरे 7 एपिसोड में तुम सोचो कौन मरा है, किसने मारा है, कौन है सस्पेक्ट. उन जॉनर्स के ट्रोप्स के फायदे हैं, पर हम अपने ट्रोप में खेल ये वो शो नहीं है ना. ना. करेक्ट. तो हमने अपने कभी हमने अपना वो मैसेज नहीं छोड़ा कि हम क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं. जी अच्छा, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. पूजा मैम, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बड़ा जी मुझे जानना है राहा के बारे में. क्या अभी तक राहा ने आपको एक बार भी मासी कह के बुलाया है? क्योंकि जी वो वो बोलना सीख रही है. मैं डिस्कस करूंगी नहीं.